नमस्कार दोस्तों, कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हम सफर कोई नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के वी राशि फल में। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों का 9 नवंबर दिन गुरुवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीज़ों से सावधान रहना होगा, और कुंभ राशि वालों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी खुशखबरियाँ मिलने वाली है, तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कुंभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी कुंभ राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज गुरुवार है, साईनाथ महाराज का दिन है। दोस्तों कमेंट में ओम साईनाथ महाराज जरूर लिखना। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट करें। अब बात करते हैं दोस्तों आज के पंचांग की। 9 नवंबर 2023 दिन गुरुवार, आज की तिथि एकादशी, आज का नक्षत्र है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, पथ चल रहा है कृष्ण पथ। दोस्तों आज सूर्यदेव उदय होंगे सुबह 6:38 पे, सूर्यदेव अस्त होंगे शाम 5:30 पे। दोस्तों आज का शुभ समय है सुबह 11:44 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। अगर दोस्तों कोई शुभ काम करना है तो इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। और साथ ही साथ आज का अशुभ समय है दोपहर 2:36 से दोपहर 3:20 तक। दोस्तों आज आपका लकी नंबर है 9 और लकी कलर है ऑरेंज। अब बात करते हैं दोस्तों आज के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं, आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है ये बातें। जी हाँ दोस्तों, उनका कहना है कि इतने सीधे मत बनो कि कोई आपका फायदा उठा ले, और इतना मीठा भी ना बोले कि सामने वाले को आपकी बातें चापलूसी लगे। जीतने के लिए आपको दूसरों के सामने समान रूप से झुकना होगा। यह कड़वी बात है लेकिन सच है कि जिंदगी और लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना रखें। ऐसे मित्र बनाएं जो जीवन भर आपका साथ निभाएं, यानी अच्छे, अन्यथा ना बनाएं। अपनी कमियों के बारे में किसी को ना बताएं, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो मौका देखते ही फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों आज का चाणक्य नीति ज्ञान आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अब बात करते हैं दोस्तों आज के कुंभ राशि फल के बारे में, कैसा रहेगा आपका आज का दिन, आइए जानते हैं। तो दोस्तों इस समय कई तरह के लाभदायक और सुकून भरी परिस्थितियां बन रही हैं। इस उत्तम समय का भरपूर सदुपयोग करें। पिछले समय से चल रही किसी समस्या का निवारण होने से आप स्वयं को तनाव मुक्त महसूस करेंगे। जरूरतमंद लोगों की मदद करना आपको खुशी देगा, परंतु दूसरों के मामले में दखल अंदाजी करना आपके समय का नुकसान करवाएगा। इसलिए अपने व्यक्तिगत कार्यों में ही मस्त और व्यस्त रहें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके गुस्से और अहम की वजह से किसी नज़दीकी मित्र से नाराजगी भी उत्पन्न हो सकती है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए खाने से पहले पैर धोएं। यदि ऐसा संभव ना हो तो हमेशा जूते बाहर निकाल कर भोजन करें। अपनी व्यवसायिक कार्यप्रणाली को सीक्रेट रखें, क्योंकि आपके द्वारा किए गए कार्य का श्रेय कोई और ले जा सकता है। कर्मचारियों के बीच भी कुछ राजनीति जैसा माहौल रहेगा, इसलिए बेहतर है कि सभी व्यवसायिक गतिविधियों पर नज़र रखें और सभी कार्य अपनी देखरेख में करवाएं। मित्रों तथा संबंधियों के साथ गेट टुगेदर संबंधी प्रोग्राम बनेंगे, अथवा विवाह के इच्छुक लोगों के लिए कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। आज आपको किसी बड़े अवसर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अपने अधिकार को जानते हैं और अपने लिए राह भी स्वयं बनाएंगे।
वाहन या संपत्ति खरीदने के लिए यह समय उचित नहीं। दूसरों की सुने और नए विचारों से शिक्षा ले। आज हठी ना बने और बोलने से पहले एक बार जरूर सोचें। वस्तुतः अपने क्षितिज का विस्तार करने और नई चीजों पर विचार करके सफलता हासिल करने का यह अच्छा समय। लोगों से मिलते जुलते समय स्वयं के प्रति ईमानदार रहें। लोग आपको आपके बारे में वो सिखा सकते हैं जो आप स्वयं भी नहीं जानते। आज आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आपके जीवन में प्यार की कमी है, जिसके कारण आप उदास हैं। अपने दिल की सुने और मन की बातों को सोना के साथ जरूर बांटें। आपके लिए आपका निवास ही स्वर्ग है और अब इसे मरम्मत और पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। आपका आज का व्यस्त कार्यक्रम आपको अपने पार्टनर से दूर रखेगा, लेकिन एक कार्ड या आई लव यू का छोटा सा मैसेज भेज के आप अपने प्यार को व्यक्त कर सकते हैं। अपने दोस्तों अथवा मित्रों की संख्या बढ़ाएं और नए लोगों से बातचीत करें। तो पिछले कुछ समय से आप जिस असंतुष्टि के दौर से गुजर रहे हैं, अंततः अब उससे बाहर आ पाएंगे। आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि आपने जीवन में अपना उत्कृष्ट प्राप्त कर लिया है और अब अपने सपने पूरे करने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। आप यह भी समझ पाएंगे कि अपने काम और अपनी सेहत दोनों को बेहतर बनाने के लिए कुछ बदलाव करने होंगे। अब बात करें दोस्तों आपके लव लाइफ की, आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों आज का दिन आपके कार्य क्षेत्र एवं परिवार के बीच संतुलन रहेगा। पिछले कुछ दिनों से आपको दोनों तरफ काफी ध्यान देना पड़ा है, क्योंकि ये समय की आवश्यकता है, लेकिन आज ऐसा करने में मुश्किलें आएंगी। हो सकता है कि समय के मुताबिक आपको दोनों में से एक को चुनना पड़े। हालांकि अभी कार्य के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना अच्छा रहेगा, लेकिन साथ ही साथ अपने परिवार के साथ भी आपको चतुराई एवं विनम्रता से पेश आना होगा, ताकि कुछ हद तक संतुलन बने। अब बात करें दोस्तों आपके आज के व्यापार और कैरियर की। तो दोस्तों हाल ही में आपके कर्मी आपके ईर्ष्या के कारण असहयोग रहे, लेकिन उनके सामने जोर से ना चिल्लाएं, क्योंकि ये अलग रूप में तोड़ मरोड़ कर आपके वरिष्ठ अधिकारियों तक बहुत चालाकी से पहुंचा जाएंगे। बस कुछ समय के लिए ऐसे लोगों के साथ दूरी बनाएं। आपको आज कुछ अप्रत्याशित धन अथवा जिसे आप चाहते थे यह दोनों ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये था आज का कुंभ राशि का राशिफल। रोज की कुंभ राशि देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर सिलेक्ट करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते दोस्तों, राधे कृष्णा।